हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इनटू अनदर वीडियो। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टीरियस जगह के बारे में जहां पर हमारे हीरोज जो है वो इन 6 पोकेमोन्स को कैच करके ले जाने वाले हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमें एपिसोड 32 में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो कि माइंड ब्लोइंग थी और वाकई उन्होंने आने वाले एपिसोड्स के रिलेटेड क्वेश्चन खड़े कर दिए। सबसे पहले तो हमें पोकेमोन होराइजन एपिसोड 32 में देखने को मिला कि लैप्रस जो था उसने अपनी उन पास्ट मेमोरीज को इन सभी के साथ शेयर किया, जिसमें हमें देखने को मिला कि लूसियस जो होता है वो इनको कहता है कि मैं मरा नहीं हूं और ना ही मरूंगा और हम रकुआ में जरूर मिलेंगे एक दफा फिर। और यहाँ पर ये मैसेज जो था ये टेरापेगस को लूसियस ने दिया था और इसी वजह से टेरापेगस जो है वो अब लीकू और उसके फ्रेंड्स की मदद से उन सभी 6 एंशियंट पोकेमोन को फाइंड कर रहा है और उनको कैप्चर करके उनके साथ रीयूनाइट होकर अगेन उस प्लेस पर जाने वाला है जिस प्लेस के बारे में लूसियस ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनको वहां पर मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीकू ने लैप्रस को कैच कर लिया, तो फाइनली हमारी जो वो बैटल थी वो ओवर हो चुकी और लीकू ने लैप्रस को कैच कर लिया। और लैप्रस जो था वो काफी इमोशनल था और उसको टेरापेगस ने मना ही लिया और फिर लीकू ने उसको कैच कर लिया। उसके बाद फिर हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है कि हमारा जो रकुआ है वो अपीयर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस मिस्टीरियस रकुआ प्लेस के बारे में जिसके बारे में हमें बार बार जिक्र देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, पोकेमोन होराइजन में हमें देखने को मिला कि लूसियस जो है वो उस रकुआ आइलैंड पर या प्लेस सिटी जो भी है उसमें मौजूद है और हमारे हीरोज जो है इनका गोल है उन 6 पोकेमोन्स को कैच करके उनको लेकर उस प्लेस पर जाना और लूसियस से मिलना। तो फ्रेंड्स, पोकेमोन होराइजन में अपकमिंग जो एपिसोड आने वाले हैं उनमें कुछ यूं होने वाला है कि लीकू जो है वो रुक्वेजा को कैच करने के बाद जो एंट है उसको कैच करेगी। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलेगा क्लेवर जो होगा वो इनका लास्ट पोकेमोन होने वाला है जिसको ये कैप्चर करने वाले हैं। मेरे पास एक थ्योरी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की है। उस थ्योरी के मुताबिक जो ये रकुआ प्लेस का जिक्र कर रहे हैं वो रकुआ प्लेस जो है वो हिस्वी रीजन है जहां पर लूसियस मौजूद है। आपको पता है, अब इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक और थ्योरी है। आप लोगों को पता है कि जो क्लेवर है वो हिस्वी रीजन से बिलोंग करता है और उसके बायोडाटा में ये लिखा हुआ है कि क्लेवर 100 ईयर से अभी तक किसी को भी नजर नहीं आया और वो सभी के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरी थ्योरी यहाँ पर ये है, क्लेवर जो है उसने लूसियस को फाइंड कर लिया और वो लूसियस के साथ ही है। जब ये लोग एंटे को कैच करेंगे तो उसके बाद इनको आइडिया होगा कि जो क्लेवर है वो हिस्वी रीजन में है। जब ये उस रीजन में जाएंगे वहां पर इनको क्लेवर देखने को मिलेगा और साथ में हमें लूसियस भी देखने को मिलेगा। आपको पता है क्लेवर के 100 इयर्स गायब होने का क्या रीजन है? वो यही है कि वो अपनी पोकेबॉल के अंदर अभी भी कैद है और वो लूसियस के पास है। उसने लूसियस को फाइंड कर लिया और वो लूसियस के पास अभी भी मौजूद है और हमें हिस्ट्री रीजन जो है वो देखने को मिलने वाला है जहां पर हमारे हीरोज जाने वाले हैं। तो ये एक बस थ्योरी है, इसके लिए हमें कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली, लेकिन ये हिस्ट्री जरूर जाएंगे इतना कंफर्म है क्योंकि इन्होंने क्लेवर को कैच करना है। तो मेरी यहां पर थ्योरी ये है कि जो रकुआ प्लेस का जिक्र हमें देखने को मिल रहा है वो हिस्ट्री की ही कोई जगह है जहां पर लूसियस मौजूद है और ये लूसियस को वहां से रिकवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एपिसोड जो है ये काफी कमाल के होने वाले हैं, तो इनको देखना मत भूलिएगा। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये रकुआ प्लेस जो है ये कहां पर मौजूद है? मेरे मुताबिक तो ये हिस्ट्री रीजन में मौजूद है। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो।